दिल्ली सरकार जो शेड्यूल करती थी बिजली, उसमें बदरपुर, दादरी और झज्जर तीनों में बहुत थोड़ा सा कोयला शेड्यूल करती थी, और उसके हिसाब से रेलवे की भी व्यवस्था थी और कोयला आता था। मुझे लगता है 2-2.5 महीने पहले उन्होंने उसको डिमांड को बढ़ाया तो हमने सप्लाईज बढ़ाई, फिर शायद पिछले महीने या मई के एंड में एक बार और बढ़ाया, हमने और सप्लाई बढ़ाई। अब ना कोयले का प्रोडक्शन और ना रेलवे के पाथ और अवेलेबिलिटी ऑफ वैगन्स ऐसी चीज़ है कि आप स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हैं कि भाई जब दिल्ली सरकार चाहे आज दे दो तो आज दे दी, और फिर फटाफट बोले नहीं कल से नहीं चाहिए और सरेंडर करना है और सरेंडर कर दे। तो इस प्रकार से कभी भी व्यवस्थाएं नहीं अच्छी चल सकती। इसके बावजूद कोयला मंत्रालय और कोल इंडिया ने एक भी दिन बिजली की समस्या दिल्ली में होने नहीं दी। हर एक प्लांट में कोयला पहुंचाया जा रहा है। मुझे लगता है एज वी स्पीक भी करीब 30-35 रेक्स दिल्ली के इन प्लांट्स की तरफ रास्ते में हैं। तीनों प्लांट में स्टॉक्स भी है, और एनटीपीसी ने क्लैरिफाई भी किया है कि अगर कभी एक जगह से नई भी बिजली पहुंचे तो दूसरी जगह से ट्रांसमिट हो जाती है। तो दिल्ली में आज समस्या बिजली या कोयले की नहीं है, अगर कोई समस्या है तो ठीक से डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाना। डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर को 6,500-7,000 मेगावाट जो इस साल की डिमांड रही है उसको मीट करने के लिए अपग्रेड करना, और फ्यूचरिस्टिक सोच के अगले 5 साल में ये डिमांड जैसे जैसे बढ़ेगी उसके लिए नियंत्रण करना, प्लानिंग करना और इम्प्लीमेंट करना। मैं समझता हूँ दिल्ली सरकार ने उस पर फोकस करना चाहिए।